हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रब्बानी एग्रीकल्चरिस्ट, आप देख रहे हैं रब्बानी फार्मिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक फंगीसाइड के बारे में जो बेहतर काम करता है, साफ़, जो UPL कंपनी बनाती है, साफ़ नाम से आता है। बात करते हैं उसके अंदर टेक्निकल के बारे में। उसके अंदर कार्बन डाइजिन प्लस मैंगो जैब होता है। बात करते हैं इसके डोज के बारे में, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका यूज़ अलग फसल के लिए अलग डोज दी जाती है, तभी हमारा बेहतर रिजल्ट मिल पाता है। पत्ती में धब्बा आ जाता है या रतुआ आ जाता है, लीफ ब्लाइट लगता है, जंग वाला धब्बा दिखाई दे सकता है, कत्थई वाले स्पॉट दिखाई देने लगते हैं हमारी लीफ पर, कवक रोग आ जाता है, स्पॉट पाउडर वाला विल्डो जिसको रोग बोलते हैं वो आ जाता है। तो इस सब में इसका यूज़ किया जाता है। अगर हमारी पत्ती थोड़ी खुरखुरी भी रहती है, जो जिससे हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता और उसकी शाइनिंग चली जाती है, तब भी हम साफ का यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसका कौन सी फसल में कितना यूज़ करते हैं। तो इसको अगर हम चिली में, मिर्च में यूज़ कर रहे हैं तो 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करेंगे। अगर हम ग्राउंडनट में यूज़ कर रहे हैं तो 200 ग्राम पर एकड़ का यूज़ करेंगे। अगर हम पेड़ी में यूज़ कर रहे हैं धान में, तो 300 ग्राम पर एकड़ का यूज़ कर रहे हैं। अगर यही हम साफ पपेडो में यूज़ करेंगे आलू में, तो 700 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज़ किया जाएगा। चिली में स्पॉट के लिए यूज़ किया जाता है, जो पत्ते पे स्पॉट पड़ती हैं, और ग्राउंडनट में जो टिक्का रोग आता है उसको टिक्का बोला जाता है, उसमें 200 ग्राम का यूज़ किया जाता है। पेड़ी में ब्लाइट रोग आता है तो उसमें 300 ग्राम का यूज़ किया जाता है। और आलू में दो तरह के ज़्यादा रोग लगते हैं, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, इसमें जो है फिर ये 700 ग्राम पर एकड़ का यूज़ किया जाता है, तभी हमारा बेहतर रिजल्ट मिलता है। ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, इसको आप किसी भी फंगीसाइड के साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, इसका बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है। सबसे ज़्यादा चिली में यूज़ किया जाता है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।